अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट किन लो क्वालिटी वेबसाइट्स को बैकलिंक दे रही है। ज़्यादातर लो क्वालिटी वेबसाइट के साथ लिंक करने की वजह से हमारी वेबसाइट पेनलाइज हो जाती है, गूगल पांडा या कुछ मैनुअल पेनल्टीज भी हैं। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा लो क्वालिटी वेबसाइट्स को लिंक्स ना दें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग। वेबसाइट का नेम कॉपी करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट। तो चेकिंग में 5 मिनट लगेंगे, तो क्रॉल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे एक्सटर्नल में और ये जो ज़्यादा लिंक्स हैं मेन वेबसाइट्स के, इन्हें ख़त्म कर देंगे। बड़ी वेबसाइट्स के लिंक नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, सोशल के रिमूव हो गए हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट डेस्कटॉप। उसके बाद इन्हें करेंगे कॉपी और गूगल के ऊपर लिखेंगे ट्रिम यूआरएल टू रूट। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे कन्वर्ट, इन सब को कॉपी करेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव, तो डुप्लीकेट रिमूव हो गए हैं। उसके बाद इन्हें पेस्ट करते हैं नोटपैड में। उसके बाद आप ओपन करेंगे एच रेफ्स या मोज। सबसे पहले मोज में एंटर करते हैं इन्हें। यहाँ पे पेस्ट स्टार्ट। तो चेक हो गया, आप देख सकते हैं कि सबकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई है। लो क्वालिटी जो बैकलिंक्स होते हैं उनकी ज़्यादातर डोमेन अथॉरिटी 5 से कम होती है। उसके अलावा आप इन्हें एचरेस में भी चेक कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे, बैच एनालिसिस, यहाँ पे पेस्ट, एनालाइज, चेक हो गया। उसके बाद हम करेंगे सॉर्ट बाय डीआर। तो आप देख सकते हैं सबका डीआर काफ़ी हाई है। जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स होती हैं उनका डीआर 10 से कम होता है। उसके बाद अगर किसी का 10 से कम हो तो आपने उसकी ट्रैफिक देखनी है। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने, अगर आप किसी लो क्वालिटी लिंक को फाइंड कर लें, तो उसके बाद आपने जाना है स्क्रीमिंग फ्रॉग में, उसके ऊपर क्लिक करना है, इन लिंक्स के ऊपर जाके ओपन इन ब्राउजर। यहां से उसे करेंगे एडिट। यहां से टेक्स्ट व्यू से सिंपली उसे रिमूव कर देंगे ऐसे। उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।